रिफ्लेक्ट फोकस एक्सिक्यूट, तीन लफ्ज है। अगर आपको इन तीन लफ्जों का मतलब समझ आ जाए, आपको इसको सर्कल में चलाना समझ आ जाए, जिंदगी को रिफ्लेक्ट किया, एक खास चीज पे फोकस किया, उसके बाद उस फोकस की चीज के ऊपर एक्सिक्यूशन की और बाद में रिपीट किया और अपने आप को इम्प्रूव किया, तो आपकी जिंदगी एक बड़ी इफेक्टिव जिंदगी बन सकती है। अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं कि रिफ्लेक्शन होती क्या है, जब पूछता है मुझसे, उसके चार पांच स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को प्रैक्टिस करने और करते रहना है जिंदगी में, जब फारे बात करें और इंशाल्लाह आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, यू स्टार्ट गेटिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव टू योर ओन लाइफ, योर ओन सेल्फ। इट स्टार्ट्स विद रिकॉलिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट इन योर लाइफ। आप शुरू वहां से करते हैं, आप पॉज करते हैं दुनिया के जो मामला आपको रोकते थे और आप देखते हैं कि मैंने पहले जिंदगी में मुख्तलिफ औकात पे क्या क्या किस तरह किया, मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने क्या हैंडलिंग की लोगों की, मेरी सोच में क्या एलिमेंट्स थे जो कि आज इम्प्रूव हो सकते हैं। रिकॉल करने से आपका डेटा सेट कंप्लीट हो जाता है। उसका अगला स्टेप होता है रिकॉल करने के बाद कि आप रियलाइज करते हैं कि क्या गलत किया, क्या ऐसी कोई चीज थी जो मैं बेहतर कर सकता था, क्या ऐसी कोई वर्ड्स थे जो मैं बेहतर तरीके से अदा कर सकता था, ऐसे लोग थे जिनको मैं छोड़ सकता था जो एक्स्ट्रा बैगेज थे। ये रियलाइज करने का स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू के बाद जब आप एक स्टेज पे कहते हैं कि हाँ मैं रियलाइज कर रहा हूं, दैट्स व्हेन स्टेप नंबर थ्री खुद ही ऑटोमेटिकली पोर्स इन योर हार्ट एंड माइंड एंड दैट्स रिग्रेट। यू स्टार्ट रिग्रेटिंग, यू स्टार्ट फीलिंग बैड। इट्स अ नेगेटिव इमोशन बट नॉट फॉर लॉन्ग। डोंट लेट द फीलिंग, द बैड फीलिंग और द फीलिंग कि यार बेहतर होता वैसे कर लेता, अगर ये बेहतर होता तो वैसे, डोंट ब्लेम एनीवन, ब्लेम योरसेल्फ एंड देन रिवर्ट टू गॉड फॉर असिस्टेंस, रिवर्ट टू योरसेल्फ फॉर असिस्टेंस। हाँ ठीक है हो गया, अब अगर मुझे नए सर्कमस्टेंसेस में जिंदगी में कुछ करना हो तो मैं कैसे करूं, देन यू ड्रॉ योर फ्यूचर प्लान्स, जिसके ऊपर आपका अगला स्टेप आता है जिसे कहते हैं रेक्टिफाई करना, टेकिंग एक्शन। जब आप टेकिंग एक्शन पे आते हैं वहां पर फेलियर भी होती है, वहां फ्रस्ट्रेशन भी होती है, वहां पर तनकीद भी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है और इस जर्नी से होते हुए आते हुए अब तक आप भूल चुके होते हैं अपने, तो अब आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए दुनिया का कहना, अब आप इतने थिक स्किन्ड होते हैं, इतने श्योर होते हैं, इतने फोकस्ड होते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। वंस यू हैव डन दिस यू कैन बी इन अ पोजिशन टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अगेन, बिकॉज क्यों, आपको नजर आएगा रिवॉर्ड, जो अगला स्टेप है जो अगला आर है इसका वो रिवॉर्ड है कि वंस यू श्योर कि मुझे पता लग गया कि मैंने किस पाथ पे चलना है एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट पाथ, अल्लाह गिव्स यू दैट रिवॉर्ड एंड वंस द रिवॉर्ड इज देयर यू नो यू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद इट्स ऑल गुड, कीप डूइंग दिस एंड यू विल सी योरसेल्फ बिकम वेरी इफेक्टिव।